लेकिन आपको ऐसे कुछ चाहिए गाइस, अगर सच्ची बताऊं बेस किसकी अच्छी है भाई, अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है, मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। गाइस आज हम कंपेयर करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स 9102 प्रो डॉल्बी एंड गोवो का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है 970। ये आता है 240 वॉट्स के साथ, ये आता है 525 वॉट्स के साथ, ये है 2.1, ये है 5.1। मैं इसके 5.1 से काफी इम्प्रेस्ड हूँ एंड ये अपने आप में ही एक तबाही है और ये भी काफी तगड़ा प्रोडक्ट। आज मैं इन दोनों का कंपेयर करके देखना चाहता हूँ कि 240 वॉट और 525 वॉट्स वो उसमें कितना फर्क है भाई नंबर्स में भाई, क्योंकि भाई नंबरों में मेरे को पता नहीं भाई कितना विश्वास करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के रिमोट दिखाता हूँ, जो रिमोट है इनके, आप एक बार रिमोट देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बस फंक्शनलिटी का फ़र्क है। बिल्ड क्वालिटी ज़ेब्रोनिक्स वाले की अच्छी है, जो इन्होंने एक मैट फिनिश दे रखा ऊपर वो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है और इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़ेब्रोनिक्स वाला थोड़ा सा बेटर है। अब मेरे को देखो ये तो पता है मेरे को, जैसे ज़ेब्रोनिक्स वाले अपनी साइट पे और अपने प्रोडक्ट पे प्रॉपरली मेंशन रखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मतलब कौन सा स्पीकर कितने वॉट का, जैसे इसका वूफर है 120 वॉट्स का एंड साउंड बार भी 120 वॉट्स का है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई कौन सा कितने वॉट का है, इन्होंने बस ये टोटल तो लिख दिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका वूफर 120 वॉट्स का ही होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी दोनों डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं, दोनों ही डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का ही है। आपको पहले इसकी बटन्स दिखा देता हूँ कि कितना फर्क है, ये देखिए पावर मोड चेंज LED प्ले पॉज वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, ये सब वूफर आउट, ये दोनों पीछे के सराउंड स्पीकर्स के लिए, और ये है अपना ऑक्स ऑप्टिकल और HDMI ARC। अब आपको ज़ेब्रोनिक्स 9102 प्रो का दिखाता हूँ, USB सब वूफर आउट ऑक्स ऑप्टिकल HDMI ARC। तो ये है दोस्तों, लुक्स के मामले में आपको क्या पसंद है वो बताना, क्योंकि मेरे को ज़ेब्रोनिक्स वाला थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि गोवो ने भाई खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है एक ही डिजाइन लॉन्च कर करके, ज़ेब्रोनिक्स तो भाई अलग अलग से अलग डिजाइन, क्योंकि भाई ज़ेब्रोनिक्स यार पुरानी कंपनी भी है, डिजाइन साउंड बार का ज्यादा प्रीमियम है, इसका भी अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई इसका बहुत गंदा डिजाइन है, ये थोड़ा गेमिंग स्टाइल है, ये थोड़ा सोवर स्टाइल है, और ये तो भाई 950 970 सेम दिखते हैं, इसमें तो ज्यादा डिटेल में कुछ बताने की बात नहीं है। इसका जो बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट है पीछे ये देखिए, और इसका बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट आगे, और भाई पहले कंफर्म कर रहा हूँ मेरी यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्पीकर से मतलब वूफर से कोई चुरचुर फुरफुर की आवाज़ नहीं आती, सेम मेरे 9102 प्रो के साथ है, इसमें भी कोई चुरचुर फुरफुर की आवाज़ नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल अपने ज़ेब्रोनिक्स का ज़्यादा अच्छा है, अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने खरीदा है किसी ने मेरे को कंप्लेंट नहीं करी कि इसमें ऐसे भाई चुरचुर की आवाज़ आ रही है, या फिर मेरा साउंड बार ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 970 के साथ ये है, अगर 100 लोग खरीद रहे हैं तो भाई 10 लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मेरी तरफ से एक फीडबैक है गोवो को, प्लीज अपने क्वालिटी कंट्रोल को संभालिए और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कीजिए। तो यार बहुत बातें होगी, अब चलते हैं साउंड टेस्ट करने।
You think you can do better? बाय। 102 Pro का जब भी मैंने टेस्ट करा है, मूवी एंड म्यूजिक दोनों में अल्टीमेट बेस एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई जो इसकी लो फ्रिक्वेंसी है इतनी तगड़ी है भाई, क्या बताऊं, जैसे मजा आ जाता भाई इसे सुन के, बॉडी में फील हो रही होती है भाई, एक नंबर। You think you could do better? गाइस अगर सच्ची बताऊं, आपको अगर 5.1 की नीड नहीं है तो आप 9102 प्रो पे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्राइस सिमिलर है। और पर्सनली बोलूं, 5.1 एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला नॉर्मल 2.1 में, क्योंकि जो सराउंड सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है ना जब, भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो जाता है। ये तो चलो दूर की बात होगी, अब थोड़ी पास की बात करते हैं हम। जैसे कि बेस किसकी अच्छी है, बेस भाई ज़ेब्रोनिक्स वाले की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो आपकी बॉडी के अंदर एकदम फीलिंग देती है भाई। स्पीकर्स ना होने की वजह से उसमें एक कमी है, लेकिन आपको ऐसे कुछ चाहिए, ज़ेब्रोनिक्स का सेम ऐसे ही मॉडल आता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा मॉडल है। ज़ेब्रोनिक्स वाले को इसमें से 10 में से मिलेंगे 8, ठीक है, और गो वाले को मिलेंगे
10 में से 8.5। अब वो आपके ऊपर बात है, आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए मेरे को बता देना। और तो यार क्या ही है भाई, तो यार बॉडी भी सही बन गई। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।